Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today, I am going to start first chapter from literature reader, The Nightingale. Author, Shu Farrington. Okay, children, let's move on the main content of this chapter. Chapter 1, The Nightingale. Nightingale, it's a bird whose song is very sweet. Let's start. Long ago in China, there lived a great emperor who was richer and more powerful than any emperor who had ever lived. Long ago in China, China में बहुत समय पहले, there lived a great emperor. एक महान शासक रहा करते थे जो who was richer and more powerful. Richer means wealthy, धनवान, and more powerful than any emperor who had ever lived. मतलब किसी भी राजा से ज्यादा ताकतवर और धनवान थे. His palace was as big as a city of beautifully decorated with porcelain, silver and gold. Porcelain, चीनी मिट्टी. यानी उनका जो पैलेस था वो बहुत बड़ा था. Big as a city, मतलब एक शहर की तरह उनका पैलेस था. And beautifully decorated, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था. With porcelain, silver and gold. Around the palace there was a garden that stretched further than the eye could see. और गार्ड उस पैलेस के चारों तरफ गार्डन था और वो गार्डन इतना ज्यादा फैला हुआ था कि जहां तक आंखें देख सकती हैं सिर्फ गार्डन ही गार्डन दिखाई देता था. इट वॉज फुल ऑफ द लवलीएस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसमें ढेरों लवलीएस्ट मतलब खूबसूरत प्यारे पौधे और पेड़ थे. लिटिल स्ट्रीम्स स्पार्कल इन द सन and deep pools reflected the delicate flowers that grew along their banks. Little stream, to choti dhara, sparkled means chamakte hue in the sun. Jab sun ki roshni us pe sun rays padti thi to chamakti hui behti thi. And deep pools, deep jo pools the wo thode gehre the. Reflected the delicate, delicate means the tender, nazuk flowers, matlab phoolon ki jo reflection us पूल में दिखाई देती थी. दैट ग्रीव अलोंग देयर बैंक्स, मतलब बैंक मतलब किनारे चारों तरफ जो फूल थी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था. एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड. सभी ने मान लिया था कि ये जो गार्डन है वो सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन है. अमंग द ट्रीज एंड द एम्परर्स गार्डन देयर लिव्ड अ लिटिल ब्राउन बर्ड हु वाज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल. और उसी इम्परर के गार्डन में किसी एक अमंग द ट्रीज लिव्ड अ लिटिल ब्राउन बर्ड, मतलब एक छोटा सा ब्राउन बर्ड हु वाज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, जो कि बहुत खूबसूरत नहीं थी, वो रहा करती थी. इट वाज अ नाइटिंगेल, वो एक नाइटिंगेल थी. नाइटिंगेल मींस बुलबुल. व्हेन द नाइटिंगेल ओपन्ड हर माउथ एंड सैंग द नोट्स केम ट्रिकलिंग आउट लाइक पर्ल फ्रॉम अ सिल्कन पर्स. Trickling, look here, moving slowly like a thin string, मतलब बहुत ही smoothly, मतलब जब वो मुंह खोलती और गाना गाती थी तो ऐसा लगता जैसे, example दिया गया, like pearl, pearl means मोती, from a silken purse, silken means मतलब रेशमी, जैसे रेशमी पर्स में कोई मोती रखा हो तो बिल्कुल स्मूथली वो मूव करता है, उस तरह से उसका सॉन्ग था. Everyone who heard it forget their troubles. Everyone, जो कोई भी उस गाने को सुनता वो अपना forget their troubles, अपनी परेशानियों को भूल जाता है. They even forget the beautiful garden and the powerful emperor. और ये भी भूल जाता कि उस मतलब जो गार्डन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और पावरफुल emperor. मतलब उसको भी भूल जाता उस नाइटिंगेल के सॉन्ग के आगे. They all said that the nightingale song was loveliest thing they had ever heard. सभी का यही कहना है कि नाइटिंगेल का जो गाना है वो दुनिया का सबसे प्यारा है और उसके सामने कुछ भी नहीं है. One day the emperor himself was told of the nightingale's song. एक दिन emperor को उस nightingale के गाने के बारे में पता चला. Why have I never heard this remarkable bird? He asked. उसने पूछा कि आज तक मैंने इस remarkable मतलब होता है ऐसे बर्ड का मेरे दिमाग में क्यों नहीं ख्याल आया.
ही आस्क उसने पूछा। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। ब्रिंग हर टू मी एट वंस, अभी अभी मुझे उसे मेरे पास ले आ। द एम्परर्स चीफ मिनिस्टर रन टू द गार्डन एंड एक्सप्लेन टू द नाइटिंगेल दैट द रिच एंड पावरफुल एम्परर विश टू हियर हर सॉन्ग। तुरंत के तुरंत जो एम्परर का चीफ मिनिस्टर है वो भाग के जाता है गार्डन में और सारी बात नाइटिंगेल के सामने एक्सप्लेन करता है कि कैसे तुम्हें पावरफुल और रिच पावरफुल जो एम्परर है उनकी इच्छा है कि तुम उनके सामने गाओ। Gladly, said Nightingale, take me to the palace. Gladly means बहुत ज्यादा खुश हो जाना। Nightingale कहा कि बिल्कुल मुझे पैलेस ले चलो। That evening, when the whole court was assembled in the throne room, the Nightingale sang for the emperor. उसी शाम जब सारे लोग कोर्ट में अवेलेबल थे, the Nightingale sang for the emperor. Nightingale ने emperor के लिए गाना गाया। Everyone who heard her wept. And a lovely sound. As for the emperor, tears ran from his eyes like diamond. Everyone who heard, जो कोई भी उस कोर्ट में था उसने गाने को सुना, her wept at the lovely sound. Wept means उसके रोने की आवाज या उसका गाना। At the lovely sound, as for the emperor, emperor भी tears from her eyes like a diamond. उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बिल्कुल डायमंड की तरह निकल रहे थे। Put the bird in the golden cage, he cried. I must hear the heavenly music every day. Emperor ने आदेश दिया कि इस बर्ड को गोल्डन केज में रख दिया जाए, मैं इसके गाने को डेली सुनूंगा। The poor Nightingale hated to be imprisoned. Imprisoned means कैद में उसे रहना पसंद नहीं था। In the cage, she grew more and more unhappy. वो बहुत ज्यादा unhappy हो गई। At last, she was so sad that she could not sing at all. और लास्ट में उतनी दुखी हुई कि उसने कोई भी गाना नहीं गाया। The emperor was furious. Furious means होता है थोड़ा घातक हो जाना। He ordered his wisest man to make a mechanical nightingale. Mechanical means मशीन से बना हुआ nightingale that would sing whenever it was wound up. Wound up means होता है उसे टच किया जाए या छुआ जाए तो वो गाना शुरू कर दे। यानी जो मैकेनिकल बर्ड होगा उसका अपना कोई डिजायर नहीं होगा कि कब गाऊंगा कब नहीं गाऊंगी। जब भी उसे कुछ बटन होगी उसको पुश करने से गाना शुरू कर देगी, जस्ट लाइक रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर। द वाइजेस्ट मैन इन द एम्पायर वर्क्ड फॉर अ ईयर ऑन द मैकेनिकल बर्ड। एक साल तक जो वाइजेस्ट मैन था उसने राजा के लिए एक साल समय लिया मैकेनिकल बर्ड पे। वेन दे हैड फिनिश्ड दे ब्रॉच इट बिफोर द एम्परर, जब वो काम खत्म हुआ उसे राजा के पास लेकर के आया। दिस बर्ड इज इवन बेटर देन द रियल नाइटिंगेल ग्रेट एम्परर दे सेड। ये जो बर्ड मैकेनिकल बना था वो रियल नाइटिंगेल से भी सुंदर था, खूबसूरत था, ग्रेट एम्परर दे सेड। द मैकेनिकल बर्ड वॉज कवर्ड विद गोल्ड। मैकेनिकल बर्ड जो था वो उसे गोल्ड से कवर किया गया था, यानी उसकी बॉडी गोल्ड की बनी थी। प्रीसियस ज्वेल्स स्पार्कल्ड ऑन हिज बैक एंड विंग्स। प्रीसियस ज्वेल्स मतलब कीमती ज्वेल्स उसके, स्पार्कल मींस मतलब उस पे चमकने के लिए लगाए गए थे। व्हेन इट्स गोल्डन की वाज टर्न्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग केम फ्रॉम इट्स बीक। और जैसे ही गोल्डन की यानी चाबी उसके अंदर लगी हुई थी उसको घुमाते एक ब्यूटीफुल सॉन्ग केम फ्रॉम हिज बीक, उसके बीक से एक मधुर संगीत निकलने लगता। एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज इवन बेटर देन द रियल नाइटिंगेल। सभी ने मान लिया कि ये रियल नाइटिंगेल से भी ज्यादा बेटर है। इट वाज मच मोर ब्यूटीफुल टू लुक एट एंड इट्स सॉन्ग नेवर चेंज्ड। और जो इसका अपीयरेंस है वो रियल नाइटिंगेल से भी ज्यादा खूबसूरत था और इसका गाना कभी चेंज नहीं होता। द रियल नाइटिंगेल वॉज अलाउड टू फ्लाई आउट इन टू द गार्डन। रियल नाइटिंगेल को अनुमति राजा ने दे दिया कि जाओ इसे अब गार्डन में छोड़ दो। फॉर 5 years द मैकेनिकल बर्ड सैंग टू द एम्परर एवरी डे। 5 साल तक मैकेनिकल बर्ड ने एम्परर के लिए गाना गाया। बट इट्स मैकेनिज्म मीन्स मशीन बिकम वोन मीन्स होता है खराब हो जाना, पुराना हो जाना।
with hues, and its song was not quite as beautiful as it had once been. और अब उसका जो गाना था वो मशीन जो मैकेनिज्म थी उसकी पुरानी हो गई थी, घिस गई थी, इस वजह से गाना जो है उसका उतना खूबसूरत नहीं था जितना पहले हुआ करता था. Then one day the emperor fell ill. तब एक दिन emperor बीमार पड़ गया. For weeks he lay in his state chamber. State chamber means एक स्पेशल कह लीजिए राजा महाराजा के लिए प्राइवेट रूम जो होता है उसमें वो लेटे हुए थे. ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा कमजोर होते गए. एवरीवन बिलीव दैट द एम्परर वाज गोइंग टू डाई, सबको विश्वास हो गया था कि अब राजा मरने वाले हैं. दे लेफ्ट द सिक मैन अलोन व्हाइल दे वेंट टू पे कोर्ट टू द प्रिंस हु वुड बिकम द न्यू एम्परर. उनको सभी ने मतलब उस बीमार एम्परर को उस रूम में छोड़ दिए मरने के लिए, और जो नया प्रिंस था उसके पास वे लोग कोर्ट में उनको फोकस करने लगे. जानते थे कि अब वो पुराना शासक मर जाने वाला है तो अब नए को ही हम लोग ज्यादा वैल्यू दिया जाए. वन इवनिंग द एम्परर फेल्ट दैट डेथ वॉज वेरी नियर. एक शाम जब एम्परर को महसूस हुआ कि अब मौत मेरी बिल्कुल करीब आ चुकी है. अलोन इन हिज रूम ही लॉन्ग्ड टू हियर द नोट्स ऑफ द नाइटिंगेल फॉर वन लास्ट टाइम. एक बार मतलब उसने अंतिम बार इच्छा जाहिर की कि मुझे एक बार और नाइटिंगेल की जो नोट्स है वो सुनने को मिल जाए. बट ही वॉज टू वीक टू टर्न द गोल्डन की, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि गोल्डन की को भी वो घुमा नहीं सकता था. देन फ्रॉम द ओपन विंडो अ लवली सॉन्ग फ्लोटेड इन टू द रूम. तब सामने विंडो खुली थी, लुक हियर, यहां देखिए विंडो खुला हुआ है, यहां से एक बिल्कुल खूबसूरत संगीत फ्लोटेड मीन्स तैरता हुआ, मतलब नाइटिंगेल जो है वो रियल नाइटिंगेल वो गाना गाती है उसके खिड़की के सामने से. द रियल नाइटिंगेल सेट ऑन अ ब्रांच आउटसाइड. रियल नाइटिंगेल देखिए यहां पर बैठी हुई है ब्रांच पे, सिंगिंग एज दो हर हार्ट वुड ब्रेक, और ऐसे गा रही थी जैसे उसका हार्ट है वो टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है. स्लीप माई एम्परर एंड बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन सी सैंग. वो गाने में गाती है कि एम्परर को सुलाती है, स्लीप माई एम्परर एंड बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, और फिर से स्ट्रॉन्ग बनो. यू नो नाउ द ब्यूटी कैन नॉट बी केज्ड एंड गिफ्ट मस्ट बी फ्रीली गिवेन. वो समझाती है कि ब्यूटी को कभी केज मतलब पिंजरे में नहीं बंद कर सकते हैं. एंड गिफ्ट्स मस्ट बी फ्रीली गिवेन, और जो गिफ्ट देना होता है वो फ्री मतलब कोई बंधन ना हो. सो द एम्परर स्लेप्ट, एम्परर सो गया. इन द मॉर्निंग व्हेन द कोर्टियर्स केम एक्सपेक्टिंग टू फाइंड दैट ही हैड डाइड इन द नाइट. सुबह मॉर्निंग में कोर्टियर्स आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब जो एम्परर है वो मर चुका होगा रात में ही. द एम्परर वॉज बेटर देन ही हैड बीन फॉर मंथ्स. जैसे वो कई महीनों से बीमार था अब वो अपने आप को बेटर फील कर रहा था. एवरी नाइट द नाइटिंगेल सैंग सूदिंगली टू हिम. सूदिंगली मीन्स स्मूथली. एवरी नाइट नाइटिंगेल आती और उनके लिए स्मूथली गाना गाती, टेलिंग द थिंग्स दैट वर वैल्यूएबल एंड ट्रू, और जो थिंग्स हैं उनके आसपास उनके बारे में उनकी वैल्यू और उनकी सच्चाई बताती वो. सून द एम्परर वॉज कम्प्लीटली वेल बट ही वॉज अ चेंज्ड मैन. जल्दी ही एम्परर जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और वो कम्प्लीटली चेंज हो, चेंज इन द सेंस कि उसका जो एटीट्यूड था या जो पहले उसका रवैया था वो बदल चुका था. ही रूल्ड फॉर मेनी मोर ईयर्स एंड द पीपल हु हैड वंस फियर्ड हिम नाउ लव्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस एंड विजडम. और वो कई सालों तक और रूल किया, शासन किया, एंड द पीपल और जो लोग पहले उससे डरा करते थे, फियर्ड हिम नाउ लव्ड हिम, अब उसे वो पसंद करते हैं, फॉर हिज काइंडनेस एंड विजडम, उसके काइंडनेस और विजडम के लिए. ओके चिल्ड्रेन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन कीप स्टडी, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.